आधा पापात्मा आधा पुण्यात्मा बचे, तो इसका मतलब है हम लोग का जो एक्सपेक्टेशन है 2024 का अंत बचने थोड़ा, तो अभी से जो इतना पुरुषार्थ करते जा रहा है तो ये जो रुद्रमाला का जो मोहि है तो अंत में जाकर भी पापात्मा ही रह जाएगा। अभी कितना परिवर्तन किया है, अभी भी तो ज्यादा रुद्रमाला तो ज्यादा परिवर्तन नहीं, ज्ञान कितना लिया है, ज्ञान तो बहुत लिया, ज्ञान का तो गिरा ही बहुत, ज्ञान इतना लिया है परिवर्तन कुछ नहीं किया है, तो रावण में और ज्ञानी में अंतर क्या है? इतना तो अंतर तो कोई तो देख नहीं रहा है, तो लेकिन फिर भी रावण में ज्ञान बहुत था लेकिन कर्म विपरीत थे, ज्ञान के अनुसार कर्म नहीं थे, प्रैक्टिकल करवाना में तो इसको ज्ञानी नहीं कहेगा, ज्ञान सुनना सुनाना समझना समझाना एक अलग बात, ज्ञान को सुनता भी बहुत है, दूसरों को सुनाता भी बहुत है, समझता भी बहुत गहराई तक है, और दूसरों को समझाता भी बाहर की खाल निकाल करके समझाता है, विद्वान पंडित आचार्य बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में अंदर से उसके साथ रह के देखा जाए तो जीरो, तो फायदा क्या होगा? ऐसी रुद्रमाला का ज्ञान है, एक जैसे नहीं है सर, उसमें से भी आठ हीरो जैसे हीरो पार्ट धारे निकलते हैं, लेकिन ये जो आठ है बाबा ये आठ भी तो रुद्रमाला का अंदर ही तो आता है, तो जो भी अंत में जो भी ध्यास होगा तो भी तो पापात्मा का अंदर ही साबित होगा, आठ है नई तिथि की शुरुआत हो जाएगी ना, शुरुआत से इसका मतलब आठ का परिवर्तन होगा, आठ निर्विकारी बन जाएगा, आठ सजाए नहीं खाएंगे माया निर्विकारी, तो ये आठ छोड़कर रुद्रवाला में जितना है तो अंत तक भी वो पापात्मा ही बन के रह जाएगा, जो 12 का रूप है पहला उसमें 4 जो है वो तो विनाशकारी है टोटल, तो उस समय तो परिवर्तन नहीं होगा, रूप का परिवर्तन नहीं होगा, सब कोई बिगाड़ेंगे, तो आज जो है बाबा ये बातें एक नए भाई के सामने करने को कोई फायदा नहीं, अच्छा ना लिखे है उनका इनका स्तर वहां तक पहुंचा नहीं है, उनका तो उत्तम भाई का जो जो कुछ मन मध्य प्रश्न प्रश्न थे सब उत्तम भाई तो मेरा तो प्रश्न एक ही था कि मेरा जीवन और लड़की भर्ती कर ले ज्ञान में आ जाए, तो मेरा तो अभी मैंने तैयारी है सब सीखी है, अब सब अच्छा अच्छा में हो जाए तो अच्छा ही है, यही मेरा प्रैक्टिकल व्यवहार में वो परिवर्तन देखेंगे तो हम तो दिन रात समझाते रहते हैं, समझाने तो कुछ नहीं होता, बड़े ज्ञान जो हम जो जितना बोलते अपना प्रैक्टिकल व्यवहार मध्य जो देखे পরিবর্তন যদি দেখে তখন অটোমেটিক্যালি সে নেবে আপনার হ্যাঁ, তো পরিবর্তন তো আমরা বউ মানে আমরা সব কিছু ছোড় দিয়া মতলব ছোড় দিয়া কি যে চিজ পেলে করতে থে ও আব করতে নেই ছোড় দিয়া, আর দিন রাত আজি আপনার সে দোকান মে আপনার কাম করতে হে আর কাম খালি মন লাগা রেতা পাণ্ডব ভ্রমণ টাইম মিলে তো ঘর চলে আসতে ভাইয়া, বাকি তো সব খানা পিনা যে না কোর্স দিয়া রবীন ভাই কে পাস जिस दिन आए उसके बाद वाले दिन से सब छोड़ दिया खाना पीना, मतलब जो खाना चाहिए उसको खाते हैं, जो नहीं खाना है उसको बाद कैंसिल कर दिया, और हमको एक दिन में सब परिवर्तन हो गया, और कहीं भी जाते भी है अभी लौकिक में अपना मामा का लड़की का शादी था वहाँ पर अपना खुद अपना खाना बनाया, मेरा जीवन ने हम लोग ने अलग खाया उस अनुष्ठान में, कुछ खाना खाया ही नहीं है, तो उन लोग को भी सेवा किया हमने, हमने सब जानकारी दिया ज्ञान का, तो उन लोग को भी सब समझाया इस तरह बात है, अभी सर्वदोष के जितना बचेंगे तो
कोई कोई कहता है ये बहुत अच्छा है, चीज अच्छा है, और कोई कोई इसको विरोध करते हैं, तुम अभी इतना उम्र तुम्हारा कम है, तुम ये सब कर रहे हो, खाना पीना छोड़ दिया तो तुम कैसे जियोगे? भगवान जब मिल गया हम जरूर जी ले, हमको भगवान जब मिला है हमको जीने के लिए कोई और असुविधा नहीं है, रास्ता मिल गया हमको। चैलेंज कर रहे हैं पानी पी वो हमने पानी उसको तो जो दुनिया होती ही नहीं, तो फिर अवस्था भी तो ऐसी होनी चाहिए। कोई कहे हमें भगवान मिल गया और जिंदगी वो भी हमने देखे तो कहेगा कोई उनको भगवान मिल गया ऐसा है, हमको खुशी खुशी है, रोना सब हो जाएंगे, हम खुश रहते हैं अभी और दूसरे को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी, हम कोशिश में लगे हैं हरदम, अब कितना मैंने कर सकते हैं वो तो कुछ बात लगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन बाबा ये बात तो सही है, बेसिक में जो कंडीशन था उससे जो इस सब एडवांस में जो आएंगे ऐसा तो मैंने परिवर्तन बहुत ही हुआ। लेकिन परिवर्तन नहीं भी कोई कोई ऐसा है जिन्होंने जो प्रैक्टिस मेक्स एम परफेक्ट जो नहीं करते हैं वो ज्यादा खराब हो रहे हैं वो लोग ही ऐसे कर बोल रहे हैं खराब। जैसे खुशी का बारे में कहे तो एडवांस में जितना ज्ञान की गहराई है कोई कोई बोलता है कि भगवान आके मैंने चमत्कार करना चाहिए ऐसा बोलता है, तो हमने तो बोलता है कि बाबा का एक एक कोर्स एक एक पॉइंट में चमत्कार है, चमत्कार नहीं है बाबा, एक एक जो कोर्स है जैसा जैसा शास्त्र में अंत तो बोलने नहीं पाया आत्मा क्या चीज है ठीक रीति से, और बाबा का कोर्स से पहला दिन से शुरू होता है आत्मा क्या है ठीक है बाबा, बाबा का पहला कोर्स जो है उससे जो शास्त्र लास्ट दिन बोलने नहीं पाया बाबा ने फर्स्ट दिन वो शुरू किया कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ से आए, कहाँ जाएंगे शुरू किया। तो इसका बाद एक एक कोर्स एक एक कोर्स एक एक कोर्स करके एडवांस में जब हम लोग जाते हैं एक एक पॉइंट इतना गहराई पॉइंट है सोच नहीं सकते हैं। तो वास्तव रीति से ज्ञान चर्चा करे तो बहुत नेशा होना चाहिए, खुशी का नेशा बहुत होना चाहिए, लेकिन ठीक रीति से बहुत लोग समझते नहीं है लगता है। उतनी ही गहराई को जितना हमने सुना है सुनाया है समझा है समझाया है उतना ही अपने प्रैक्टिकल जीवन में अगर धारण कर लें तो लक्ष्मी नारायण मिलेंगे। हाँ श्योर श्योर, तो फिर क्यों नहीं बन रहे कुछ तो हमें लगता है कुछ मैंने जो सिचुएशन मैंने एटमोसफेयर में जो वाइब्रेशन चल रहा है बाबा ने बोला ना ये जब तक ये पूरा 500 करोड़ की दुनिया खत्म नहीं होगा तब तो परिवर्तन नहीं होता है, तो पांच तत्व का परिवर्तन नहीं होता है, सही नहीं हो सकते। हाँ वाइब्रेशन परिवर्तन नहीं हो सकता, सृष्टि में जो कीड़ों मकोड़ों की दुनिया है वो खत्म नहीं हो सकती, तो वो इसका मतलब ये जो पूरा वाइब्रेशन चल रहा है सब आत्माओं का बाबा, तो हम लोग का जितना भी हम लोग धारण कर रहे हैं उसमें कोई इंटरफेयर करके ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। एडवांस पार्टी के अंदर ही रहते हैं जो दूसरे दूसरे धर्मों के गिरे हुए धर्मों के बीच है, तो वो लोग का जो वाइब्रेशन पड़ता है उल्टा करते हैं, तो उल्टा करता है उसका संख्या तो 84 और इसका संख्या है ओनली 24, तो 84 का जो पावर है 24 को होने नहीं दे रहा है। समर्पित होने वालों में ही कोई तो ये लक्ष्य लेकर के आते हैं कि बाहर की दुनिया में हम जाएंगे तो फिजिकल जो प्राप्ति है वो प्राप्ति कर पाए या न कर पाए उसे, लेकिन यहाँ तो भरपूर फिजिकल प्राप्ति कहने के लिए राजयोग है पूरा राजयोग,
जीवन का लक्ष्य ही बदल गया, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकता है मैंने ट्रेनिंग द्वारा हो नहीं सकते। मोस्टली तो सरेंडर किए जाते हैं, सरेंडर अपने समझ से थोड़ी सरेंडर होते हैं। एक होता है अपनी बुद्धि से सरेंडर होना और एक होता है माँ बाप ने जबरदस्ती ले जाके सरेंडर कर दिए, अंतर नहीं। जलवायु का भी प्रभाव पड़ता है, कोई संग जलवायु मतलब जल है, जल भी खाने का भोजन जैसे खाने की अंदर जा रही है ऐसे जल भी अंदर जाता है, श्वास जो हम ले रहे हैं वायु वो भी अंदर जा रही है, तो अन्न दोष की जगह में आ गया ना। जैसे कंपनी की जलवायु और अपने बंगाल की जलवायु जैसे जलवायु जल और वायु ज्यादा असर करती है शरीर को, मन को उतना असर नहीं करती। शरीर स्वस्थ हो सकता है अच्छी जलवायु में, लेकिन हाँ ये है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन भी होता है। वायुमंडल बनाना और बिगाड़ना ये तो मनुष्य के अपने हाथ में, संघात का असर पड़ता है समूह का। ऋषि मुनि ऐसे होते थे जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते थे, उनके आश्रम में शेर और बकरी इकट्ठे पहुंच जाए तो एक घाट पानी पीतेगा, ये उनका वायुमंडल कैसे चेंज हो गया, उनका वाइब्रेशन कैसे परिवर्तन हो गया। ऋषि मुनि हिंसा की बात सोच ही नहीं सकते, तो वहां का वो वाइब्रेशन बन गया। विद्यार्थियों का भी, गुरु का भी, टीचर्स का भी, जानवरों का भी परिवर्तन हो गया। जानवर बौद्धिक प्राणी नहीं है, मनुष्य तो बौद्धिक प्राणी है, बुद्धि के आधार पर वो वायुमंडल को कंट्रोल कर सकता है। जानवर थोड़े नहीं बौद्धिक आधार पर वायुमंडल को कंट्रोल करेंगे, जानवर ज्ञान भी नहीं सुनेगी, मनुष्य तो ज्ञान भी सुनता है समझता है, चाहे तो प्रैक्टिकल जीवन में चल भी सकता है, लेकिन देखने में ये आता है कि जानवर ज्यादा प्रैक्टिकल जीवन में अच्छा चल रहे हैं। सब मनुष्य है, ज्ञान सुनते हुए भी समझते हुए भी उसके विपरीत मार्ग पर चलता है। जैसे पशु पक्षी है उनका टाइम बना हुआ है, तो बने हुए टाइम के अनुसार ही वो संतान उत्पत्ति का काम करते हैं, और टाइम पर नहीं करेंगे। और मनुष्य को कोई समय की सीमा ही नहीं, कभी भी काम विकार का आवेग आ जाए, कभी क्रोध का आवेग आ जाए, इसलिए बोलता जानवर से भी बदतर है ना। हाँ मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गया। तो अगर हम लोग का पहले जो बुद्धि था तो हम लोग का अच्छा नहीं था, भक्ति मार्ग में हम लोग बुद्धि जो किया पूजा पाठ किया वो ठीक नहीं,
अभी तो समझ में आ रहा है आपकी बुद्धि अच्छी थी तभी तो आपने ये ज्ञान को खा लिया। बुद्धि आपकी खराब होती तो आप फैसला कैसे करते कि ये ज्ञान अच्छा है या खराब है। बुद्धि तो आपकी अच्छी थी मगर हमको कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ लेकिन सच्चाई आपको मिली नहीं। हाँ खाकर के आपको सच्ची बातें मिल गई और बुद्धि ने आपकी फैसला कर लिया कि हमको ये सच्चाई मिली। सत्य को ही गॉड फादर कहा जाता है। गॉड इज ट्रुथ। 100% जो सत्य है वो ही भगवान है। दरगाह में सत्यनारायण की कथा होती है। सत्य लक्ष्मी की कथा क्यों नहीं होती। मतलब नारायण ने जितनी सच्चाई से सफाई से जीवन यापन किया है उतना लक्ष्मी ने भी सच्चाई सफाई से जीवन यापन नहीं किया है। सवाल ये पैदा होता है कि नारायण ही अगर सत्य है अकेला तो फिर उसको लक्ष्मी जी ने को क्या बोलो। विजय महाराज का आह्वान करने में क्या दरकार है। उसका कारण ये है कि भगवान नारायण तुलसी वर्ग की स्थापना करता है। नारायण अकेला स्वर्ण स्थापना नहीं कर सकता। की स्थापना करने के लिए नारायण के समान पुरुषार्थी चाहिए जीवन में। जब तक समान पुरुषार्थी नहीं मिलेगा तब तक नारायण भी सफल नहीं होगा। संपन्न प्योरिटी धारण करने के लिए अन्न दोष और अन्न दोष बहुत कम होता है। अन्न दोष में परिवार भी आता है। परिवार में साथी का भी जो ज्यादा साथ रहता है उसका ज्यादा महत्व है। धारणा के आधार पर हमारे हमने बोला था कि हाथी अच्छा है पर चढ़कर बोले दूसरा दूध पानी का पानी हो जाए। क्या अच्छा ही पर चढ़ के बोलते हैं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इसका मतलब क्या है। बोले जो सच्ची बात होती है उसको आज कोई भले दबाना चाहे सच्चाई को थोड़ी समय के लिए दब जाएगी लेकिन एक टाइम अगर वो व्यक्ति सच्चाई पर अडिग रहता है वास्तव में सच्चा है तो जरूर अडिग रहेगा। तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो सच्चाई सच के ऊपर चढ़ करके बोलेगी और जो विरोध करने वाला कुछ विरोध नहीं कर पाएगा। कमजोरी है कमी और कमजोरी के कारण सच्चाई प्रत्यक्ष नहीं हो पा रही। वो कमी और कमजोरी दूर हो जाएगी तो सच्चाई दर्ज हो करके बोलेगी। देखो ऐसे ही समझ लो 76 में जब ये एडवांस नॉलेज निकली तब उस समय ब्रह्मा कुमार कुमारियों की क्या हालत थी। एडवांस नॉलेज समझने के लिए कोई नहीं मानता था नहीं जानता जनाया गया तो जानते तो थे लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं थे। और आज क्या है एडवर्टाइजमेंट तो ब्रह्मा कुमारियों में ज्यादा हुआ। ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा किया। पीवी के वाले एडवर्टाइजमेंट तो एडवांस वाले कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे। स्वतः ही एक से दूसरे को दूसरे तीसरे को तीसरे चौथे को अपने आप आज नाली फैल के चले जा रहे हैं। कोई प्रदर्शनी नहीं कर रहे हैं कोई म्यूजियम नहीं खोल रहे हैं
कोई कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, कोई भाषण नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतियोगिता नहीं कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी नॉलेज ऑटोमेटिक एक से दूसरे को फैल रही है। ऐसे ही है जैसे अगर किसी दुकान का मिठाई अच्छी है, इसमें फंदी वगैरह नहीं लगी हुई है मिठाई में, लेकिन खाने में बहुत स्वादिष्ट है, तो वो उसका एडवर्टाइजमेंट करे या न करे, चारों तरफ अपने आप फैल के लिए जो खाएगा वो कहेगा एडवर्टाइजमेंट करने की दरकार ही नहीं, कच्चा ही नहीं, ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक एडवर्टाइजमेंट होता ही रहेगा अगर उस मिठाई में वो अपनी डिस्टेंसी न करे तो। अभी अभी तो फिर भी तो के तो बाहुल की आदत से तैयार हो गए हैं, क्या बाबा को हमने संगठन में हटा कर दिया एक बार हमला करके बेहाल कर दिया, ऐसे हम यहाँ इंडिया में हर इंडिया में जो भी जितने भी हैं उन सबको बेहाल कर दिया, ऐसा अपमान होगा फिर उनको जान सब भरे रह जाएंगे, सच्चाई फिर भी उनके सर के ऊपर चढ़ गई होगी, सभी हो जाएगी जब सर के ऊपर सच्चाई चढ़ करके बोलेगी तो झुक जाएंगे। जन्मों में राजा बन करके पाप कर्म ज्यादा किसने किए, राजाओं ने ज्यादा किए हैं या प्रजा ने ज्यादा पाप कर्म किए हैं, और एडवांस वाले ही ज्यादा बड़े राजा हैं, बने हैं राजा ही ज्यादा भोगी है या बेसिक वालों ने ज्यादा राजा ही भोगी, एडवांस वालों ने ज्यादा राजा ही भोगी, तब जो राजा ही भोगने के जन्मों में उन्होंने जो दूसरों को दुख दिया है प्रभुता पाए का ही बदना ही, तो हिसाब किताब पूरा होने देंगे या नहीं होने देंगे, पूरा हो ना किताब पूरा हो फिर सच्चाई सच्ची बोले बोले पूर्व जन्म में जो राजा लोग जो किया उसका उसका हिसाब देगा, बने बिखरा देगा, बिखरा देगा, उसका प्रतिफल ग्रहण के रूप में आना, जीवन के रूप में आएगा, तो आते आते जो भी न्यूट्रलाइज धीरे 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 कमती होते जाएगा, न्यूट्रलाइज होगा, राजा अपने चलाते थे, जो कोई सच्चाई बोल रहा है तो उनकी बात नहीं मानते थे, ये अहंकार में आकर तो फिर वो शूटिंग पीरियड में फिर होगा, वो होगा ना जो एक बार हुआ उसका हिसाब किताब जैसे चल रहा है, फिर शूटिंग पीरियड में भी तो वही चीज फिर तो होगा, हो रहा है ना, एडवांस में अपनी जरूरत नहीं करते चलने करने वाली, अभी पहुंचने लगे गीता को हाथ ऊपर हाथ रखकर ऐसे झूठ मत बोलती, हाँ झूठ मत बोलती चल जाएगा तो और वो बोलने के बाद ही झूठ छूट कर जाएगा, वो लोगों को पाप करेगा ना, आप पुण्य कौन देखता है, बाबा तो बैठे जल थोड़े ही है, हजाम है, हजाम नहीं है, तो बाबा हम लोग तो बिजनेस करते हैं, बिजनेस में तो हम लोग भी झूठ बोलते हैं कस्टमर को, सारी दुनिया झूठ बोल रही है, तो सारी दुनिया की झूठ बोलने के बीच में आप भी एक झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ की पावर उतनी ज्यादा नहीं है क्या, इसलिए पाप कम बन रहा है, और सारे ही सच्चे बैठे हैं और आप एक झूठी दुकान सुनकर जो बैठ रहे हैं तो आपका पाप ज्यादा बन रहा है, लेकिन वो टीवी के बनने का बाद झूठ बोलेगा तो उसका थोड़ा साझा ज्यादा होगा ना, आप थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा ना, ज्यादा कह रहा है कि हम भगवान के लिए प्रैक्टिकल
फिर झूठ बोलते हैं, तो उसका जो लोग जो सुनने वाले हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? ये तो भगवान मिल जाए। लेकिन बिजनेस में थोड़ा प्रॉफिट करने के लिए जो अपने बोलते हैं उसको झूठ नहीं कहते हैं। नहीं नहीं, झूठ तो झूठ ही है ना बाबा। कुछ परसेंटेज सपोज हम प्रॉफिट करेगा, सब बंद नहीं तो फिर ये क्यों कहा? सब धंधों में है नुकसान, ये बोला है क्यों? सब धंधे झूठे हैं। दुनिया के जितने भी धंधे अभी चल रहे हैं वो सब धंधों में झूठा बन चल रहा है, तो उसके लिए नुकसान होगा, नुकसान होगा। और जितना धंधा है सब नुकसान हो रहा है, सब नुकसान, सब चौपटा होता नहीं जा रहा है। हाँ, होते होते जा रहा है। तो सब जो भी नुकसान हो जाएगा तो सब तो बड़े पूरा सिस्टम तो एकदम गड़बड़ हो जाएगा। आगे चलते नहीं कभी, तो मजबूरी में बाबा हम झूठ बोले तो ठीक नहीं, वो भी गलत। मजबूरी में कोई मजबूरी आ गई, लौकिक धंधा आप पेट की कमाई के लिए कर रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत झूठ चल जाता है तो कोई बात नहीं तो पेट का धंधा आपका चलेगा ही नहीं। बिना झूठ का सहारा लिए कोई भी करोड़पति अरबपति नहीं बन सकता आज की दुनिया में। यहाँ तो पेट चलाना ही मुश्किल है सच्चाई से चलने पर। सच्चाई में दूसरा कौमा पेट चलाना ही मुश्किल है है ना। उसका अच्छा है बोलता है नौकरी अच्छा है बिजनेस। नौकरी में नौकरी तो नौकरी जो ऊपर बैठा हुआ है वो उल्टा काम नहीं कर पाता है। नौकरी में जो ऊपर बैठा हुआ है वो कभी उल्टा उल्टा आर नहीं करता है। इसका मानना पड़ेगा नहीं मानना पड़ेगा? जबरदस्ती जबरदस्ती करना, जबरदस्ती कराता है। तो ऐसा करके पाप बांटते बांटते एक दिन बस्ट हो जाएगा बाबा। होना ही है, हिस्ट्री जब होना चल रहा है तो अभी हिस्ट्री तो भाई अनादि हिस्ट्री तो अनादि जाइ हो आदि अनादि मूर्ति सब अच्छे हमें हिस्ट्री थकले लय हमें हिस्ट्री है नहीं बाबा। इन्होंने तो बोला हाँ सृष्टि हुआ नहीं सब अनादि, ये तो ठीक नहीं है। अनादि तो आत्मा परमात्मा है, आत्मा भी है अनादि, परमात्मा भी अनादि है, आत्मा का पार्ट भी अनादि है, परमात्मा का पार्ट भी अनादि है। और आत्मा परमात्मा जिस सृष्टि पर अपना पार्ट प्ले करते हैं वो सृष्टि भी अनादि है, सृष्टि भी अनादि है। लेकिन अनादि सृष्टि का अंदर में आके तो सृष्टि होता है। सृष्टि के पांच तत्व भी अनादि है, पांच तत्व भी अनादि है। लेकिन जो भी तम सत प्रधान से तम प्रधान बन जाता है फिर तो निराकार साकार में आकर साकार सृष्टि को नया बनाते हैं ना, बनाते हैं। वो भी धीरे धीरे बनता है, कोई एकदम इनमो नहीं बनता। हाँ धीरे धीरे तो बनाते हैं, पता ही नहीं लगता कहाँ पे आदि हो। हाँ वो तो हाँ इसलिए। लेकिन एक जैसा होता है जैसा रचना रचयिता, रचना जो है रचना सृष्टि होता है फिर विनाश भी होता है। रचना का विनाश होता है, रचयिता का भी विनाश होता है, विनाश होता है। उस हिसाब से तो सृष्टि होता है। आत्मा और परमात्मा का विनाश नहीं होता, आत्मा न रची जाती है न परमात्मा रचा जाता है, तो हमेशा है हमेशा ही नहीं और विनाश नहीं। सृष्टि हाँ। 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 सृष्टि थके लय हमें सृष्टिटा होना चाहिए, ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। सीरियल परिवर्तन होगा, बाकी है परिवर्तन होगा, परिवर्तन तो हो गई तो हो तो चल रहा है। डायनासोर जब निकाला था वही टाइम तो डायनासोर था ना, अभी तो नहीं है ना। डायनासोर था लेकिन उसकी जो रिलेशन निकाली है उसमें गलती नहीं है। परिवर्तनशील डायनासोर था, जिन जंगलों में डायनासोर था उन जंगलों में आग लग गई, आग लग जाने के बाद कोई एक आध प्राणी बचा वो और दूसरे चौपायों के साथ जैसे घड़ियाल है उसके साथ मिक्स हो गया।
दूसरी जनरेशन पैदा हो गई, वो जनरेशन खत्म हो गई, फिर नया जन्म हुआ, नई जनरेशन, नया नया प्रकार का प्राणी पैदा हो गया, वो डायनासोर नहीं, घड़ियाल बनेगा कौन चीज है, क्रोकोडाइल जैसा ही तो देखते हैं डायनासोर, लेकिन डायनासोर के सारे जंगल में आग लगने से सारे डायनासोर खत्म हो गए, कोई एक बच गया नर या मादा, अब उसको अपनी अपनी काम निकाल की कोशिश चाहिए, वो नदी के किनारे पहुंचे उसे क्रोकोडाइल मिली है, तो क्रोकोडाइल के साथ संग होने से एक नई पैदाइश हो जाएगी, नहीं हो जाएगी तो नई तरह की जाति पैदा होगी, वो डायनासोर की जाति खत्म होगी। कुछ दिन पहले सुना, फिर अखबार में देखा, मुर्शिदाबाद में एक सभ्यता मिल गया मिट्टी के अंदर में, एक 4,000 साल पहले का सभ्यता गुजरा, एक ऑर्डिनरी पेपर है खोज करे किसी पे मुर्शिदाबाद है मस्जिद को है सभ्यता ওরকম সভ্যতা শুনুন, ওরকম সভ্যতা এখনো অনেক আছে, প্রকৃতি সমপ্রধান হ্যাঁ তোমা কালী महागौरी जो है तो लक्ष्मी को बोलता है, महालक्ष्मी बनती है, जो सत्य प्राण होती है माँ काली कली कही जाएंगे, ना ना उस समय तो नहीं कहती, सौ प्राण बनती है वही महालक्ष्मी महाकाली बना। और बंगाल में एक काली का पूजा ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पूजा होता है, दो हाथ दूर दूर एक मंदिर है, एक शनि जी का मंदिर एक काली का मंदिर, काली की पूजा ज्यादा होती है, मैंने काली ने ही यहाँ विशेष सहयोग लेकर के कार्य किया है, कलकत्ता में वेस्ट बंगाल में काली का सबसे ज्यादा होता है, और शनिदेव का पूजा होता है एक ही साथ, मैंने एक ही मंदिर में दो हाथ दूर दूर में शनि जी और काली जी भी है, एक दोनों मंदिर लगा, ये एक मोहल्ला है ना, ये मोहल्ला में 8-10 मंदिर है काली और शनि का, बाबा जी तो बोलते हैं महाकाली जो भी रोल करेगा क्या कर रही है, तो संदेश है बोल दिया कुमार का दादी ने प्रकृति से हाथ मिला दिया, जो संदेश महीने पहले बताया दादी ने माया ने प्रकृति का साथ हाथ मिला लिया, तो जिन्हें हाथ मिला लिया होगा तो उन्होंने जो आके जो एक्शन करेगा महाकाली, तो महाकाली ऐसे जो सब्सिडी में है देखा जाए तो विदुष बने गृहभान को खड़ा करके असुर को संहार करेंगे, महाकाली असुर को संहार करेंगे, तो हम लोग का यज्ञ के लिए तो फेवरेबल है, जब संहार करेंगे गृहभान को नाश करेंगे तो फेवरेबल है, सुन क्रिया नहीं आगे उसके लिए क्रिया नहीं आगे उसके लिए क्रिया नहीं आगे भी तो शुद्ध और अशुद्ध और नंबर वार चल रहा है ना, संगठन है उन संगठनों की तार्किकता और काम की वृत्ति के आधार पर ही तो ये भी करना है, उन्होंने जो भी जैसा महाकाल जो देखा है ये मैंने संकट के ऊपर में खड़ा हुआ है ना, तो जबकि ग्लानी करेगा एक बार में जब ग्लानी करेगा तो सपोर्ट हम लोग नहीं कर सकते हैं, कहीं जो ग्लानी समझने वालों को ग्लानी न लगे सच्चाई लगे तब क्या करेंगे, जो लोग को ब्रह्मा कुमारी जो ग्लानी उड़ा रही है वो ग्लानी सुनने वालों को ग्लानी नहीं लगती है सच्चाई लगती है तब तो सहयोग दे रहे हैं उनको,
तो सौ जो देंगे ना, अगर सहयोग दे रहे हैं इसका मतलब उनको ग्लानी ग्लानी नहीं मालूम पड़ रही, उनको सच्चाई मालूम पड़ रही है। तो सच्चाई भी मालूम पड़ रहा है तो उससे महाकाली का तो रोल तो मतलब जो भी एगेंस्ट में होते तो एगेंस्ट में हो रहा है ना, तो महाकाली का रोल एगेंस्ट में हो जाएगा तो हम लोग का जॉब के लिए क्या है? ये है कि महाकाली का जो रूप है, जो गंगा का जो रूप है, वो चंद्रवंशी रूप है या सूर्यवंशी रूप है? ठीक है, ठीक तो चंद्रवंशी है, तो चंद्रवंशी है, तो चंद्रवंश और सूर्यवंशी में वंश में अंतर है या नहीं है? हाँ अंतर है। तो क्रॉस होगा कि नहीं होगा? तो क्रॉस जो होता है तो क्रॉस होने से ये तो नुकसान का बात है, नुकसान ही होगा। कितना नुकसान होगा? चंद्रवंशियों से लेकर के और जो भी इस्लामी मोदी क्रिश्चियन आदिवंशी है दुनिया में उन सब का नुकसान, छह सूर्यवंशी होंगे हाँ वो गतिविधि हो जाएंगे, उनका नुकसान। तो लेकिन ये जो ग्लानी करके ये क्या महाकाली जो बोलता है असुर संहार करते, असुर का संहार करता है ना, असुर बढ़ाते हैं सब ग्लानी होता है और उनको सपोर्ट करता है, उससे तो असुर पैदा होता है। भगवान से उसके हटा दे, हाँ निश्चय से हटा देता तो असुर पैदा होता है ना, भगवान से जिससे निश्चय सबका हटता ही गया, हटता ही गया, हटते 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 आज ही बचे, हाँ आज ही बचे, सबकी हटती है, काम अच्छा किया है बुरा किया है, मैंने सिलेक्शन में जो असली शक्ति है उसकी स्थापना होगी, बाकी 1% भी आधा परसेंट भी झूठे हैं। तो वो तो सूर्य वंशी से चंद्र वंश में जाते रहेंगे, जाते रहेंगे, जाते रहेंगे। तो दैट मीन्स मैंने अल्टीमेटली एक बाद में जाके उन लोगों का पहचान भी लगा कि हम लोग भूल किया, बिल्कुल तब माने ये हो जाएगा ना बाबा, उस स्थिति से असुर संहार किया उस माने है। बाबा सत्य भी दो है, एक है मिक्स सत्य और एक है नॉन मिक्स प्योर सत्य, दो नहीं हो गए। और जो लोग बोलते हैं रिलेटिव बोलते हैं ट्रूथ रिलेटिव है, तुम्हारे लिए जो सच्चा है मेरे लिए सच नहीं है, कोई कोई बोलते हैं कुल है वो है मिक्स ट्रूथ। स्वास्थ्य एक ही आदमी आपको अच्छा लग रहा है, वही आदमी इनको अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों? आदमी तो एक ही है, इनको अच्छा क्यों लग रहा है? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत सच्चा लग रहा है, इनको क्यों नहीं लग रहा है? उनको मन पसंद नहीं। आखिर ये कैसे पता चले सत्य क्या है? हाँ, तो कैसे पता चलेगा? वो ही आदमी सच्चा है कि झूठा है? कैसे पता चलेगा? ज्ञान की जानकारी दे, इसके लिए ज्ञान की जानकारी दे, सत्य असत्य की जानकारी चाहिए, ज्ञान ज्ञान से। अभी एक्शन में है, आज में है वो अंत तक ये बोले क्या कर रहे हैं, एडवांस पार्टी के हाथ में कौन है? आज में है तो अंत तक रहेगा नहीं? अभी महाकाली का साथ
पाठ कर रहे चले गए। माया ने प्रकृति से हाथ मिला ही लिया है, तो माया किसको समझते हैं? माया आप प्रैक्टिकल जीवन में आप किसको समझते हैं? अरे अभी तक माया प्रैक्टिकल जीवन में आपने किसको समझा? आपने वो विकास नहीं, आधार उस जड़ों में बैठी है, ये जड़ों का भी बीज है। जड़ों का बीज तो बोल रहा हूँ, बीज ही है प्रज्ञा कौन प्रेम कांता है और कौन है बीज? जड़ों पे बैठी हुई है या जड़ों की भी बीज है? कौन माया का बीज को ही है ना? बीज है कि जड़ है? बीज है, बीज है। असली जो रूप है तो वही हुआ है। हाथ मिलाई लिया है, माने दोनों का मेल हो चुका है, मिलकर काम करना है। बाबा बुद्धि से मिले मिली होंगी ना? ये क्या बात है, सकाल में मिली होंगी, सकाल में मिलेंगे, प्रैक्टिकल में अभी लिखी गई ऑलरेडी। दिल्ली में जो प्रिंसिपल है उसने देखा कि ये झूठ वो ऑलरेडी संगठन शुरू कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट करने की अगले बोला जो है सोनाक्षी के पास जाके है सेंटर खोले। हाँ तो इसका अर्थ हमारा क्या? डिस्ट्रिक्ट वालों को सोनाक्षी जीतो वालों का सामने है तो बोल भाग्य दो चार स्टूडेंट होंगे इधर आ गए पक्के पक्के कहीं बल्ब तोड़ देना, कहीं बोर्ड तोड़ देना, कहीं जल्दी तोड़ देना, कहीं साइकिल उठा ले जाना, ऐसे परेशानी पैदा करते रहे। तो डिस्टर्ब करते थे, डिस्टर्ब करते 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 बाद में भागे, उधर से माता छोड़ के भागे। यही तो सर पे चढ़ के बोलना है और दूसरा सर पे चढ़ के बोलना है कि बेटा एडवांस से सब एडवांस है सब अभी क्या है झूठ किसी से प्रमाण हो गया है। बाबा ने बोला है सन्यास के सामने ही आज सब बोल दो तो जरूर आगे चले तो बोले जहाँ जहाँ वो आश्रम उठा उठा ले जाते रहे वहीं उसके सामने ही मकान लेकर गया एडवांस वाले खोल देंगे तो आपसे कहाँ जाएंगे आगे? आपसे वाले परेशान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, छोड़ दें उसका धंधा चौपट हो जाएगा। अभी मरने से पहले कुमार का दादी ने बोल भी दिया दो चार सेंटर वालों से, सेंटर वालों जाके शिकायत की आ रही है एडवांस तो बहुत ज़्यादा अगली जमती पठानकोट में बोला था, पठानकोट वालों में अब सेवा हुई ना पठानकोट वालों की, तो उन्होंने जाकर शिकायत की पठानकोट आश्रम वालों में, तो उन्होंने आके आया
फिर वो दादी ने बोला कि आप नए तैयार करो, आप नए तैयार करो, उनको जाने दो। तो बुद्धि खुल गई है, बुद्धि खुल गई अभी इधर से बाबा लोधिक में झील मोटो है तो हम लोग तो एक स्थल इधर है ना अंड भवानी जल में एक स्थल खुला तो धीरे 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 तो वाइब्रेशन तो हो रहा है तो इसका बीच में अनवर भाई जो नुआने जो बेसिक का स्टूडेंट निकला उसका घर में गए थे और वो दोनों मिल के बेसिक का कुछ इंफॉर्मेशन दिया एडवांस का। तो इधर से तो बेसिक का जो बहन जी है उनके पास इंफॉर्मेशन चलाइए अच्छा कि इधर में एडवांस आ गया अच्छा रिश्ता में तो एडवांस का तो वो तो डर गया तो बेसिक का बिना वहीं डर गए बिना वहीं डर गए सब उन लोगों को बोला जानवर भाई इधर आएगा तो टांग तोड़ दो। तो जो नया निकला अशोक भाई तो बोलते हैं तो ऐसे ऐसे तो भाई लोग बोलते हैं बिना वहीं ऐसे ऐसे बोला अभी तो भाई लोग भी थोड़ा गर्म हो रहा है तो आपको ऐसे बोला जे रविंद्र भाई अभी तो रिश्ता में आपका भाई में तो इन्फॉर्मेशन चला गया लगता है तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। हमने बोले जी देखो हमें थर्टीएथ में खुला ये पूरा बेंगल का जो बिकेलो है ना उन लोगों से चैलेंज करके थर्टीएथ खुला था और थर्टीएथ अभी बहुत स्टूडेंट्स क्लियर हो गए और वो लोग हम लोग को डिस्टर्ब नहीं करते तो इधर ना अभी रिक्शा में जो भी हो गए तो हमने बोला हम तो उन लोगों के लिए कोई ये परवाह नहीं करते हैं धीरे धीरे आप लोग है आप लोग समझे इसको समझ में किस आते जाएगा और धीरे धीरे सब हो जाएगा। आसाम का जो सुभाष भाई है उसका जमीन है मैंने सिलीगुड़ी तो सिलीगुड़ी में बीके मतलब सेंटर खुला है पहले पहले अभी ने आया है मुझे कुछ दिन के बाद बाबा से मिलते गए चलिए तो बोला जी बाबा परमिशन दे दिया इतना दिन परमिशन नहीं दिया अभी परमिशन दिया वहाँ सेंटर खोलने के लिए एडवांस देखिए दोनों एक साथ में चले मैं एक ही स्थान पर कैसे चले वो तो मकान मकान जिस एरिए में था ना वो तो सुभाष भाई के ही है तो सुभाष भाई उनसे ले लिया अभी लेने के बाद वो अभी मकान बनाएंगे बना के बाद एडवांस दे देंगे दूसरा स्थान पर बेसिक चले बेसिक के तो ओरिजिनल स्थान है उधर से बेसिक चलेगा वो तो बेसिक है उसका बगल में ही माने एडवांस चलाएगा हाँ एडवांस चलाएगा। तो आमी तो हम तो सिलीगुड़ी में जब गए थे ना उधर तो कोई एडवांस हमको नहीं मिला अभी नहीं है अभी भी नहीं है सिलीगुड़ी में रहती है नेपाल में कितना बेसिक का ये हो गया जीता पक्ष का एडवांस का काठमांडू में नेपाल में बढ़िया किसान क्या बढ़िया बढ़िया ठीक क्या है तो बहुत मतलब जल्दी तो क्या है काठमांडू में जूतों का मान काठमांडू और पोखरा एक परसेंट का पॉइंट उसमें का मान नेपाल में प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो रहा है ना
কেরালা মিটিং সভা হয় এক দূসরে এক দূস গীতা পাঠশালা হয় কেরালা মেয়ে কেরালা মিটিং কালী পরম্পরা এক গীতা পাঠশালা হয় लेकिन जम्मू से कश्मीर का डिस्टेंस तो बहुत है, कश्मीर में हम लोग को नहीं है अर्बन स्टूडेंट को सब भगा दिए गए कश्मीरी ब्राह्मण हम डेढ़ साल चले गए ना बाद में आतंकवाद के चलते लेकिन कश्मीर का जम्मू आप लोगों का जम्मू का जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे कश्मीर का डिस्टेंस कितना है 350 किलोमीटर कश्मीर में होना चाहिए अभी अभी तो ट्रेन हो रहा है अभी तो जम्मू से श्रीनगर तक ट्रेन ट्रेन कंप्लीट हो गई टाइम लगेगा ट्रेन ट्रेन बना रहे हैं कंप्लीट हो रहा है फिर कहाँ हो रहा है ये वहाँ के रहने वाले ये नहीं जानते आप जानते हैं उधमपुर के लिए अखबार में देखा है और कश्मीर में बना जैसे लोकल ट्रेन जहाँ चल रही ना वैसे कश्मीर में लोकल ट्रेन चलेगी लोकल ट्रेन जाएगी वो लेकिन जम्मू से नहीं चलेगी जम्मू से उधमपुर तक जाएगी पहाड़ी एरिया क्रॉस करना पड़ेगा तो टाइम लगेगा बहुत मुश्किल मैंने रेलवे बजट में आया काम शुरू हो गया धीरे धीरे हो रहा है रोड तो बहुत चौड़ा तैयार हो गया जम्मू ट्रेन भी अगला 5 साल के अंदर में ट्रेन भी चल जाएगा बहुत चौड़ा रोड तैयार हो गया लेकिन प्रैक्टिकली बहुत ही डिफिकल्ट है बाबा क्या मैंने कश्मीर तक लाइन लेना सारी पहाड़ियाँ तोड़ करके अंदर से निकाल करके वहाँ लेकिन टाइम का बाबा अमरनाथ जो यात्रा करते हैं तो वो किस समय में मतलब करनी अच्छी है सितंबर अक्टूबर क्योंकि आप जाना चाहते हो फरवरी मार्च होके आएंगे एक बड़े होके आएंगे बोलते हो इधर में हमारा देखा अभी तो चला आया हुआ है आत्मा की तो यात्रा कर नहीं पा रहे हैं तो कम से कम शरीर की यात्रा करते शरीर की यात्रा में तो ज्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है वातावरण वहाँ का मतलब वातावरण शरीर के लिए मिलेगा ना कि आत्मा के लिए मिलेगा आत्मा का उत्थान परमात्मा करेगा या शरीर का उत्थान करेगा पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा चेंज होगी या शरीर चेंज होगा मन बुद्धि रूपी आत्मा भी चेंज करो ना पहले एक सिर्फ बाबा दूसरा ना कोई दूसरा तो सोचना ही नहीं है बाबा बैठा नहीं ना इसलिए देह की यात्रा की तरफ सोते एक ही रहना होगा कि एक ही बाबा रहना तो कब होगा जबकि आत्मा और वो शरीर इसके दोनों से मिलकर के शिव बाबा बना है बैठ जाए तब ना वो जो हुनर है वो तो जड़ है ना ये ठीक है ना बना था हमारा अभी तो अमरनाथ में जो शिवलिंग बाबा तो गल गया था ना डुप्लीकेट तो बना के पंच बना के रहते अब तो कागज में भी तो आ गई जाएगी अखबार फ्लॉप हो गया जो अमरनाथ है डुप्लीकेट है वो असली नहीं है पकड़ में आ गया उसको जटिल लिंग क्यों तो वहाँ हमको जाना बेकार है बर्फ का लिंग कहीं जमता बनता है क्या लिंग में गर्मी होगी या लिंग में बर्फ पड़ोगा प्रैक्टिकल याद की स्टेज ऐसी बनाई जा सकती है कि इंद्रियां शीतल हो जाए
उसको ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है? ज्योति माने ज्ञान, ज्ञान का नाम तो बोला जाता है, ज्ञान का नाम, ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की रोशनी भरी हुई है। अभी बाबा हम कुछ दिन पहले यहाँ से हम लोग का तारक सर है, तारक सर, तो हमको मेरा फैमिली से सबको गया ससुराल से, सब घर से आए थे सर, सब घूमने, हमको जोर से ले गए कि चलो, हम लोग बोला हम तो जाएंगे नहीं, हमको तो तारक सर बाबा जो है, हम तो एक सिर बाबा दूसरा ना, हमको समझ ना किया, तो हमको जोर जबरदस्ती ले गए, गए तो हम बाहर नहीं रहे, तो सबको बोले तुम पानी दो, बाबा दूसरे को पानी नहीं दो, आए हो यहाँ पे, बोला हमको पानी नहीं दे रहा है, आप मेरा नाम लेके आप पानी दे दो। तो हमने अपना लड़की को दे दिया, मतलब तुम मेरा नाम लेके तुम दे दो, उसी से हमको सफल हो जाएगा। तो सब कोई हंसी मजाक करते रहे मेरे साथ, तो तुम आए यहाँ पे नहीं पाएंगे, ना हम तो पानी जो यहाँ देना था पानी दे दिया शिव बाबा को, और हमको यहाँ पानी लेने के लिए जरूरत नहीं, हम ज्ञान जल की जाए। और